ऑफिस में कल एक लड़का आया और उसकी उम्र थी तकरीबन 23-24 साल। और अच्छी बात भी कह सकते हैं, हैरानी की बात भी कह सकते हैं कि वो जो बच्चों का डॉक्टर होता है ना, मुझे इंग्लिश में उसका शब्द पता नहीं है, क्या बोलते हैं, पेड्री पेड्री टॉट पेड्रीट, आपको यदि सही पता हो तो आप बता देना, समझ लेना, बच्चों के डॉक्टर उसको बोलते हैं। वो पढ़ाई कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि सर मेरा शरीर नहीं बन रहा है, बिल्कुल पतला कमज़ोर सा हो गया है और चेहरा काला होता जा रहा है, आंखों के नीचे गड्ढे होते जा रहे हैं, हड्डी हड्डी हो रहा है और वज़न तेज़ी से घट रहा है। और उसने बोला कि पेशाब के रास्ते मुझे धात जाती है, जब भी लिंग में इरेक्शन आएगा तो लिंग से चिपचिपा पानी आता है, या फिर जब भी वो पेशाब करता है तो कतरा कतरा जाता है, कतरा 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 का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पीसेस जाते हैं, या छोटा छोटा राल सी या टुकड़े जाते हैं वीर्य के। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि आपने इससे पहले कहाँ कहाँ दिखाया, हमारे डॉक्टर साहब भी वहीं पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से दिखा रहा हूँ। वो खुद एक बच्चा जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, वो 5 साल से हर जगह अपने आप को दिखा रहा है। उसने नीम हकीम को दिखाया, उसने वैद्य को भी दिखाया, उसने फार्मेसी में दिखाया, उसने हॉस्पिटल्स में दिखाया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया। कह रहा मैं चेकअप कराता हूँ, सारे चेकअप ओके आते हैं, मैं कोई भी ब्लड चेकअप कराता हूँ, पूरा बॉडी का हेल्थ चेकअप करा लिया मैंने, कोई रोग नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम ओके हो, बिल्कुल ओके हो, लेकिन उसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ये धात वात मानते नहीं हैं। तो हमने उसे कहा कि भाई आप हस्तमैथुन करते हो या नहीं करते हो। कह रहा मैं हस्तमैथुन पहले किया था 5 साल, लेकिन अब 3 साल से नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हस्तमैथुन जब से नहीं कर रहे हो कुछ फ़ायदा हुआ? तो उसने कहा कि इतना कोई खास नहीं हुआ। तो मैंने बोला उससे, मैंने पता क्यों नहीं हुआ आपको खास फ़ायदा, क्यों? क्योंकि धात जा रही है, और जब धात जाएगी तो आप कुछ भी खा लो, जो भी आप बढ़िया से बढ़िया समझते हो, जो भी आप बढ़िया से बढ़िया समझते हो ना, वो आप कुछ भी खा लो, जो आपकी नॉलेज में सबसे महंगी चीज़ हो, वेज में नॉन वेज में किसी भी चीज़ में खा लो, आप पेट में डालते रहोगे, मुंह से मुंह के द्वारा खाते रहोगे खाते रहोगे, लेकिन नीचे से लीकेज होने के कारण शरीर में कभी भी आपको लग नहीं पाएगा, नहीं लग पाएगा। बॉडी या हेल्थ कभी भी बढ़िया खाने पीने से नहीं बनती है भाई। हमारी जो अमूल्य शक्ति है, जो अमूल्य शक्ति है हमारी, वीर्य, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक हमारी बॉडी हेल्थ शरीर में खाना पीना नहीं लगेगा। आपको कुछ खास खाने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई, सिर्फ नमक रोटी, सिर्फ नमक रोटी, नमक रोटी यदि आप खा रहे हैं और बचा रहे हैं, है ना, बहने नहीं दे रहे हैं मेरे को, तो 100% आप नमक रोटी भी खाओगे तो बॉडी में लगेगा, शरीर में लगेगा, है ना। क्योंकि आपने देखा है, जब आप हस्तमैथुन करते हो या करते हो ना, तो वीर्य जब निकलता है तो वीर्य निकलने के बाद कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे 10-12 लोगों ने पीट के लिटा दिया हो, लगता है ना ऐसा। हाँ, अब किसी का दिन में 4 बार पेशाब करने गया, पेशाब के रास्ते अपने आप निकल रहा, तो उसकी हालत क्या होगी आप बताइए, उसकी हालत क्या होगी, होगी ना हालत ख़राब। तो मेरा कहने का मकसद ये है, धातु रोग या वीर्यनाश, हस्तमैथुन या शादी से पहले संभोग या सेक्स, ये सब, सेक्स भी हो चाहे कुछ भी हो, लोग बहुत सोचते हैं कि हम शादी से पहले संभोग या सेक्स करेंगे तो वो तो बेहतर है, नहीं, वो भी ब्रह्मचारी के खिलाफ है भाई, बिल्कुल। शादी से पहले किसी भी आचरण को करना गलत है, शादी के बाद भी अनुमति ये है कि आप सिर्फ अपनी वाइफ के प्रति रह सकते हैं, वाइफ के अलावा यदि आप किसी स्त्री, औरत या लड़की की तरफ देखते हैं या फिर गंदी नज़र करते हैं, या मन चला जाता है या बहक जाता है या संभोग करते हैं, तो फिर आप ब्रह्मचारी क्षण कर रहे हैं, ब्रह्मचारी को तोड़ रहे हैं, है ना। तो
हमने ये सब बातें उन्हें समझाई, उनकी समझ में आया तो वो लेके गए दवा। अब देखो 20 दिन बाद में उनका रिजल्ट्स कुछ आएगा तो आपके साथ में मैं शेयर करूँगा, उनको कैमरे पे लेके आऊँगा हो सकता है, अगर वो अलाउ करेंगे तो, है ना। तो बाकी मेरे को बचाओ बचाओ, और बहने मत दो बस, ठीक है। जब आप बहने नहीं दोगे तो शरीर में रहेगा, है ना। जिस वीर्य को निकालने के बाद में, निकालते समय बहुत ना मज़ा आता है, तो 24 घंटे जब वो वीर्य शरीर में रहेगा तो कैसे दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करेगा, एकदम दौड़ेगा, एकदम दौड़ेगा। मट्टी के तेल की तरह काम नहीं करेगा, है ना, वो पेट्रोल की तरह काम करेगा, एकदम जला के रखेगा आपके शरीर को, एकदम तेज रखेगा, बुद्धि तेज, शरीर तेज, आँख तेज, पेट सही, वजन बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चेहरे पे चमक, और चेहरा जो है कमल जैसे खिला रहेगा हमेशा।